जालौन के नंदीगांव थाने में तैनात एक सिपाही ने एसपी के लीडर और मुंशी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। फिर सिपाही ने एसपी के लीडर पर नया आरोप लगाते हुए कहा है कि एसपी के लीडर ने तीन लोगों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की है। पीड़ित सिपाही ने कोच कोतवाली में एसपी के लीडर समेत तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित सिपाही रामकृपाल का कहना है कि जब वो छुट्टी लेकर घर जा रहा था तो लीडर एके सिंह के कहने पर उसके साथ तीन लोगों ने मारपीट की। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बता रहे हैं। इसके लगाए गए सभी आरोप असत्य और निराधार हैं और वो अपनी मन इच्छा अनुसार ड्यूटी लगवाना चाहता था और वह जो कि संभव नहीं था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूर्व में जैसे निर्देश दिए गए तो उस हिसाब से ड्यूटी लगाई गई थी। इसी कारण वह मनगढ़ंत बातें कर रहा है, निराधार और असत्य आरोप लगा रहा है।